हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में मैं रुचि मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऐसा है फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो आप लोग जैसा देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, यूपी टीजीटी होम साइंस मींस टीजीटी से रिलेटेड। आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कोई चीज़ पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। जैसा हमने आपको आपको सबसे पहले बताया था, इसके पहले मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए हमारे इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए या टीजीटी में सिलेक्शन पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो बेसिक चीज़ पढ़ते हैं, बहुत बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। जो मैंने टॉपिक लिया है वो न्यूट्रिशन का लिया है और इसमें सबसे बेसिक चीज़ जो हमारी है, जैसा देख रहे हैं आप कि न्यूट्रिशन, ये टॉपिक जो है वो किसका है, न्यूट्रिशन का है, मींस आहार एवं पोषण विज्ञान। किसका टॉपिक है, आहार एवं पोषण विज्ञान। सबसे पहले बात फ्रेंड्स ये उठती है कि क्या है आहार एवं पोषण विज्ञान। आहार एवं पोषण मींस ऐसा पोषण जो हमें, जो हमारे शरीर को सभी रोगों से मुक्त रखे, मींस इस तरह का आहार जो हर एक व्यक्ति की उम्र के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, या उसके आप ये कह सकते हो कि उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई डिसीज़ तो नहीं है, उस अकॉर्डिंग भोजन लेना या उसको किस फॉर्म में किस तरह से यूटिलाइज करना ही क्या है, पोषण है। मीन्स हम पोषक तत्वों को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किस उम्र के अनुसार यूज़ किया जाए, किस लिंग के अनुसार, मीन्स महिला है या पुरुष है, या कोई बच्चा तो नहीं है, या कोई नवजात शिशु तो नहीं है, उस अकॉर्डिंग मीन्स आप ये कह सकते हो कि आयु, लिंग, उम्र, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर दी गई डाइट ही क्या है, न्यूट्रिशन है, मीन्स पोषण है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले अब इन पोषक तत्वों को, अब पोषक तत्व की जब बात है, ये जो पहले बताया ये था न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। अब पोषण के लिए जरूरी है कि हमारे अच्छे न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है कि हमें पोषक तत्वों की मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। ओके, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं, जब पोषक तत्वों की बात आई, पोषण के लिए ज़रूरी है पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी होना, मीन्स आपके भोजन में, आपके न्यूट्रिशन में पोषक तत्वों की उपलब्धता होनी चाहिए। वो पोषक तत्व जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च या शर्करा भी कहते हैं, ठीक है ना, इसी को कार्बोज भी कहते हैं। आप ऑब्लिक करके इस तरह से बता सकते हैं, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं, न्यू स्टूडेंट होते हैं, उनको बहुत कार्बोहाइड्रेट और कार्बोज दोनों में ही क्या कन्फ्यूज़न होता है उनको कि कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोज है, क्या है। तो दोनों का मतलब एक ही है, आप चाहे कार्बोहाइड्रेट बोलें या फिर कार्बोज बोलें। ओके, तो मीन्स जो हमारे पोषक तत्व हैं वो कुल मिला के जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, विटामिन। ओके, कितने पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण और विटामिन। मीन्स यही पोषक तत्व जो हमारे आप स्क्रीन पर साफ देख रहे हैं, सीधे देख रहे हैं, यही पोषक तत्व हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, ऊतकों की मरम्मत के लिए, हमारे शरीर के नवनिर्माण तंतुओं के लिए आवश्यक होती है, ठीक। और ये पोषक तत्व, इन छह पोषक तत्वों की वजह से ही आई थिंक दैट
सभी जो भी चाहे जीव हो, पशु हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, हर एक के लिए जरूरी है पोषण। लेकिन पोषण का जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, ये सारे क्या हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, अब ये पोषक तत्व किस तरह से बॉडी में काम करते हैं, कितनी इनकी नीड होती है, क्या नीड होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसको उठाते हैं। बहुत एक बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना, बहुत डीपली नहीं जाएंगे बट बेसिक बता रहे हैं, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो देखिए, संपूर्ण आहार का क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है फ्रेंड्स। आयोग, आप ये जान लीजिए कि ये जो पोषक, इतना जो लिखा हुआ है बोर्ड में आप देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, बोर्ड में जरूर पूछता है, क्योंकि बहुत कंपलसरी चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ओके। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा कार्बो, ये भोजन में सबसे ज़्यादा जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। देखिए क्वेश्चन की ट्विस्टिंग देखिए, किस तरह से आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं या हम सब कन्फ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। क्वेश्चन पूछता है आयोग कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें, मीन्स यहाँ पर पूछने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो भोज्य पदार्थ, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए भोज्य पदार्थ, उससे ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है। तो उससे ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है फ्रेंड्स, वो 80 से 90%, ठीक है ना। मीन्स अगर आप कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन पदार्थ लेते हैं तो उससे ऊर्जा मिलेगी आपको कितनी, 80 से 90%। लेकिन अगर बात ये आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट से हम कितनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हम कितनी ऊर्जा प्राप्त, या स्वस्थ वयस्क व्यक्ति एक कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, तो वहाँ पर आंसर चेंज हो जाता है। आंसर विल बी 55 to 60%। कितना, 55 से 60%। मींस जब कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा की बात आती है कि ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से हम कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो 55 से 60% सिर्फ और सिर्फ हम ऊर्जा लेते हैं किससे, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से, मींस कार्बोज से, ओके। इसके बाद जो हमारा अप्रोक्स 45 to 40% का रेशियो बचता है, ये हमें ऊर्जा वसा से, प्रोटीन से, जल से, इन सब चीज़ों से मिलती है, ओके। अब खाने में ज़रूरी तो नहीं है कि पूरा जो हम डाइट प्लान करते हैं उसमें पूरा कार्बोज ही हो, उसमें फैट भी होता है, शुगर भी होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन भी होता है, जल भी होता है, कई सारे विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स। तो बाकी जो भी एनर्जी हम लोग प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स, वो किससे प्राप्त करते हैं, अन्य चीज़ों से, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा में, जैसे ही मैंने लिखा हुआ है इस तरह से डिज़ाइन करके थोड़ा, तो यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है और वसा से, ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या शर्करा बात एक ही होती है, वसा से, और इसके बाद हमें प्रोटीन से। अब आपको ये आश्चर्यचकित नहीं होना है कि प्रोटीन जो है ये तो हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पहले, सबसे पहले हमारा क्या, सबसे पहले हमारी शर्करा टूटती है, जब शर्करा टूटती है तब उसके बाद क्या, कार्बोहाइड्रेट का पाचन अकॉर्डिंग टू शुगर देर से होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूटता है, और जब बॉडी में कुछ नहीं बचता है, जब हमारे शरीर की एनर्जी भी शुगर जो था वो भी ख़त्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी ख़त्म हो गया, तब हमें ऊर्जा किससे मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे अब कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से व्यक्ति को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी 4.1
कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरह से फैट में पूछा जाता है कि जो हमारा वसा है लीन फैट है इससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 1 ग्राम में हमें 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन प्रोटीन में भी होता है कि प्रोटीन में भी हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ध्यान रखना है आपको ये बात, 1 ग्राम कभी कभी लिख देता है 1 ग्राम, कभी कभी लिख देता है 1 kg मीन्स 1 किलो में, तो नहीं, 1 ग्राम की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा, अब ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व तो क्वेश्चन पूछे तो कि इन पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, वसा। लेकिन हम सबसे ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण किससे करते हैं, तो ऊर्जा ग्रहण करते हैं किससे, कार्बोहाइड्रेट से, बट प्राप्त तो किससे ज़्यादा सबसे ऊर्जा होती है, वसा से। ओके फ्रेंड्स, और ये जो हमारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इक्वल ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा हम बात करते हैं कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए। कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रोटीन, जल और खनिज लवण, ये तीनों ही ऐसे हैं हमारे पोषक तत्व जो कोशिकाओं के निर्माण करने के लिए, मरम्मत का मतलब है अगर कोई कोशिका टूट फूट गई है किसी कारणवश, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका क्या होता है, उसकी मरम्मत हो जाती है। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं रिपेयरिंग, लाइक रिपेयरिंग, अब तो समझ गए होंगे ना, मीन्स कोशिकाओं के निर्माण के लिए और उनकी रिपेयरिंग के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो गई है हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यूज में, तो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रोटीन, जल और खनिज लवण। ओके ये हमारे किसके, कोशिकाओं के लिए। अब वो आप ये मत सोचना कि देखिए, क्योंकि हमारी बॉडी का निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से होता है ना, ठीक है ना। अब कोशिकाएं शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ठीक है ना। तो जब कोशिका ही नहीं होगी, कोशिका का निर्माण ही नहीं होगा, तो सेल्स नहीं बनेंगे, टिश्यूज़ नहीं बनेंगे, और जब टिश्यूज़ नहीं बनेंगे तो कोई भी हमारा बॉडी पार्ट्स नहीं बनेगा, जब बॉडी पार्ट्स नहीं होंगे तो बॉडी कहाँ से होगी। तो ज़रूरी है कि कोशिकाओं के निर्माण के लिए, उनके मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन, जल और खनिज लवण की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा नियमन और नियंत्रण। नियमन क्या होता है, मीन्स रेगुलेट करना, क्या करना, बॉडी को रेगुलेट एंड कंट्रोल करना। मीन्स ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो बॉडी को रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करने का काम भी करते हैं, ठीक है ना। तो जो मीन्स, अब रेगुलेट करना होता है मतलब स्टार्ट करना, क्या स्टार्ट करना, हम कितना भी कार्बोहाइड्रेट ले लें, हम कितना भी फैट ले लें, हम कितना भी प्रोटीन ले लें, लेकिन अगर जब उनको पचाने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास ना विटामिन होंगे ना खनिज लवण होंगे, अगर इन्हीं की कमी होगी तो क्या बॉडी हमारी ग्रोथ कर पाएगी, क्या हमें अच्छा गुड न्यूट्रिशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा फ्रेंड्स। तो ज़रूरी है कि अगर बॉडी को अच्छे से रेगुलेट रखना है, मीन्स अच्छे से नियमित करना है, जिस तरह से बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए, जिस तरह से बॉडी वर्क करना चाहिए, उस तरह से बॉडी को वर्क करने के लिए आवश्यक है, मीन्स एक शब्द की अगर बात करें, नियमन। इसके लिए अगर आवश्यक है, ये चीज़ हमें नियमन रखना है बॉडी का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जल, खनिज लवण और विटामिन, ये तीनों ही क्या, एक नियमित मीन्स एक निश्चित मात्रा में अवेलेबल होना ज़रूरी है। नहीं तो हम कितना भी खा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हो। आप लोग देखते होंगे बहुत से लोग क्या होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत खाते हैं लेकिन बिल्कुल दुबले पतले रहते हैं, या खाते रहते हैं, बराबर खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी न किसी पोषक तत्व की वजह से हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी बॉडी का रेगुलेशन जो कार्यक्रम है, जो रेगुलेशन का वर्क है, ये ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए ये पोषक तत्व जो हैं ये काम नहीं कर पाते, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो हमारे आप 6 पोषक तत्व देख रहे हैं, यही पोषक तत्व अगर बॉडी में
ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं, ठीक है ना, क्या ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं, तो हमें शिकार होना पड़ता है किसका, गुड न्यूट्रिशन का या फिर मल न्यूट्रिशन का। कहने का मतलब ये है कि अगर जो न्यूट्रिशन है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का न्यूट्रिशन कैसा होता है कि या तो हमारे पोषक तत्वों की अधिकता होगी तो प्रॉब्लम होगी, या फिर पोषक तत्वों की कमी होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स आप ये जानिए कि पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया, गुड न्यूट्रिशन और मल न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन का मतलब होता है अच्छा न्यूट्रिशन, ठीक है ना, और मल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। कुपोषण अगर इसको हम बुक की भाषा में बोलें तो हम इसको सुपोषण भी कह सकते हैं। सुपोषण मतलब सुंदर, हिंदी में खूब सिखाया जाता है हम लोगों को, सु का मतलब सुंदर, जैसे बोलते हैं ना सुलेख मतलब सुंदर लेख, इसी तरह सुपोषण मतलब अच्छा पोषण। ओके, तो गुड न्यूट्रिशन और मल न्यूट्रिशन, जब बात आती है गुड न्यूट्रिशन की, मतलब हमको गुड न्यूट्रिशन का मतलब है हमें सारी चीज़ें बैलेंस्ड मात्रा में मिल रही हैं, जितना हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो मिल रहा है, जितना प्रोटीन चाहिए वो मिल रहा है, जितना फैट चाहिए वो मिल रहा है, मीन्स जो भी पोषक तत्व हैं बैलेंस मात्रा में, हमारी एज के अनुसार, हमारे लिंग के अनुसार, हमारे बीमारी के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं। ओके, बट मल न्यूट्रिशन क्या होता है, मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, मीन्स ऐसा पोषण जो व्यक्ति को किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी आघात से, मीन्स आपको यहाँ पर पोषण अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा। अब कुपोषण अच्छे तरीके से जरूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा खाता पीता व्यक्ति है उसको कोई रोग ना हो, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं, देखने में बहुत अच्छे खासे हस्तपुष्ट हैं, बहुत अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी रहती है, लेकिन होता क्या है फिर भी उनको कोई ना कोई रोग पकड़ लेता है, ठीक है ना। और कुछ लोग अपने यहाँ ऐसे भी हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं नसीब होता है, मीन्स उनको जितना पोषण चाहिए उतना पोषण ही नहीं मिलता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही चीज़ फ्रेंड्स बताई गई है कि मीन्स कुपोषण जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा होता है क्या, ओवर न्यूट्रिशन। मीन्स अंडर न्यूट्रिशन की जब बात आती है फ्रेंड्स, तो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऐसा पोषण जो कि जितना एक व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जितनी मात्रा हमारे ICMR द्वारा निर्धारित की गई है, हमारे सर्च करके जो एक पोषक तत्व का निर्धारण किया गया है उतना यहाँ पर नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या है, मीन्स अगर हम मेल की बात करें 2350 कैलोरी चाहिए, तो यहाँ 2350 कैलोरी मीन्स नहीं मिल पा रही। अब जब डेली डेली उसको कैलोरी कम मिलेगी कम मिलेगी कम मिलेगी, तो कम का रेशियो एक बार इकट्ठा हो जाएगा ना। आप ऐसे सोच लीजिए, मान लीजिए आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से अगर आप कुछ पैसा बचा बचा के, तो पहले महीने में मान लीजिए आपने 1 रुपया बचाया, दूसरे महीने में 1 बचाया, तीसरे में 1 बचाया, चौथे में 1 बचाया, तो ये मिल के 1-1 रुपया मिल के कई सारा कलेक्शन हो जाएगा ना। वही चीज़ कि अगर यहाँ पर अगर आपको अंडर न्यूट्रिशन हो रहा है, थोड़ी बहुत तो जितना कैलोरी चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ एक बड़ा रूप ले लेगी ना, विकराल रूप ले लेगी, तो यही हुआ अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ओवर न्यूट्रिशन मीन्स आप क्या कर रहे हैं ओवर न्यूट्रिशन में, कि आप बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, मान लीजिए आपको कैलोरी चाहिए, आप खाना खाने बैठे, अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खा लिया, फैट आपने बहुत ज़्यादा ले लिया, मीन्स पोषक तत्वों की यहाँ पर क्या हो जाती है, अधिकता। पोषक तत्वों की अधिकता ही क्या होती है, ओवर न्यूट्रिशन, जो कि हमारे बॉडी के लिए लाइक ओबेसिटी और क्या नाम है आपको बता दें, मधुमेह जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, और ओबीज, ये सारी चीज़ें, मोटापा वगैरह, ये सारे इससे क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। ओके, अब अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या किसी भी तरह की, तो स्वाभाविक सी बात है वहीं से कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या है, अंडर न्यूट्रिशन को दो पार्ट में बताया गया, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है मीन्स व्यक्ति के पास खाने के लिए ही नहीं है, जैसे बहुत सर्वे होते रहते हैं तो उसे पता चलता है कि भूख के कारण लोग इतने मर गए,
पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। प्राइमरी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था लोगों के पास खाने के लिए वो भोज्य पदार्थ अवेलेबल नहीं थे जिसके कारण बहुत डेथ होते। आज तो हमारा इंडिया काफ़ी ग्रोथ कर गया, ठीक है ना, बहुत अब ये चीज़ कम देखने को मिलती, लेकिन फिर भी ये चीज़ देखने को मिलती है अभी भी। पूरी तरह से नहीं गया है प्राइमरी न्यूट्रिशन, मीन्स ऐसा पोषण जिसमें व्यक्ति को आवश्यकता है लेकिन उसको मिल नहीं पा रहा है उतना। मीन्स हमें अगर 450 ग्राम कोई चीज़ चाहिए खाने के लिए तो हमें उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, उसका रीज़न कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी का मतलब होता है कि आपको खाने को तो मिल रहा है, सारी चीज़ें आपको मिल रही, सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर आपके भोजन का ना ही एब्जॉर्बेशन हो रहा है और ना ही डाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। मीन्स वो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में जाके वेस्टेज हो रहा है, उस चीज़ का आपकी बॉडी ना डाइजेस्ट कर पा रही है ना ही उसको डाइजेशन कर पा रही है, जिसके कारण आपको वो पोषक तत्व तो नहीं मिल रहा है। मीन्स आपके पास सब कुछ है लेकिन आपकी बॉडी यहाँ पर काम नहीं करती है, तो ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम जैसे आपको बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक ले, ये था हमारा बहुत छोटी सी चीज़ थी जो कि बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अब हम कार्बोहाइड्रेट को बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, मीन्स कार्बोहाइड्रेट का क्या वर्गीकरण, साफ नहीं हो रहा है, चलिए फ्रेंड्स अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण उसमें मजा आने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू देखेंगे जिसमें कि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट इसका हम क्या देखेंगे वर्गीकरण, सबसे पहले ये जानिए कि कार्बोहाइड्रेट को का वर्गीकरण दो तरह से बताया गया, एक होता है भौतिक और दूसरा होता है हमारा रासायनिक, पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक। अगर हम रासायनिक की बात करें तो इसमें बताया गया फ्रेंड्स कि इसके तीन भाग बताए गए, पहला हमारा मोनोसेकेराइड और दूसरा है हमारा डाइसेकेराइड और तीसरा है हमारा पॉलीसेकेराइड। ओके फ्रेंड्स, पहला क्या है मोनोसेकेराइड, दूसरा क्या है डाइसेकेराइड और तीसरा क्या है पॉलीसेकेराइड। अब देखिए आपको समझ में क्या है, देखिए कॉमन चीज़, पहले हम कॉमन चीज़ देखते हैं, सेकेराइड सेकेराइड सेकेराइड, अब डिफरेंट क्या है, मोनो डाई पॉली, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, पॉली का मतलब तीन। मीन्स अगर हम बात करें सबसे पहले ये देखिए कि रासायनिक तत्व क्या है, मीन्स ऐसे रासायनिक तत्व जो कि एक निश्चित मात्रा में निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो यौगिक तैयार होता है वो क्या होता है हमारा रासायनिक तत्व होता है, ठीक है। अब हम रासायनिक तत्व की बात करेंगे तो मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब दो और पॉली का मतलब तीन। मीन्स रसायन के यहाँ पर जब पॉलीसेकेराइड की बात होगी तो यहाँ पर रसायन का एक अणु होगा और यहाँ पर रसायन के दो अणु होंगे और यहाँ पर रसायन के तीन अणु होंगे। मीन्स मोनोसेकेराइड का मतलब है जहाँ पर अणुओं की संख्या सिर्फ एक हो, और डाई मतलब जहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी हो, दो हो, उससे ज़्यादा नहीं होगी, और पॉली का मतलब
तीन या फिर इससे तीन से अधिक भी हो सकते हैं, मीन्स होते ही हैं, नॉट हो सकते हैं, होते हैं तीन या तीन से अधिक, ये होता है पॉली। अब हम देखते हैं मोनोसेकेराइड, इसका मतलब होता है जी ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है ना, डाइसेकेराइड में हमारा आता है सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी तक के इतिहास में, यही बोलेंगे अभी तक के क्वेश्चन पेपर में फ्रेंड्स, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बना जहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना हो। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है ना, कन्फ्यूज़न क्या होता है फ्रेंड्स, कन्फ्यूज़न ये होता है कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे पुटअप होते हैं, पहले ये जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पुटअप होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फ्रक्टोज कौन सी शर्करा है, ऑप्शन में दे दिया गया मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड या इनमें से कोई नहीं, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया लैक्टोज कौन सी शर्करा है, लैक्टोज डाइसेकेराइड है मोनोसेकेराइड है परसिमिस, इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग खूब रटते हैं, खूब दिन रात रटते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सामने बन के आता है तब कन्फ्यूज होते हैं। कन्फ्यू आता है, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, शर्कराएँ पता होती, सब पता होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न क्या उत्पन्न होता है कि यार ये मैंने पॉली में पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड में पढ़ा था कि डाइसेकेराइड में पढ़ा था, यही बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। और फिर क्या होता है, तुक्का लगाते हैं, और तुक्का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि लगभग 90 से 95% गलत ही जाता है। अगर आपको आता है तो कहीं हद तक सही जाने की संभावना है, अदरवाइज तुक्का हमेशा रॉन्ग में ही जाता है। ठीक है ना, ये तो खैर एक अलग की बात थी। अब हमें ये देखना है कि हमको इससे किस तरह से पढ़ना है, किस ट्रिक से पढ़ना है जिसमें कि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई अगर हम सो रहे हो उसमें भी कोई उठा के पूछ लें तो तुरंत आंसर बता दें, नो डाउट, अपनी ट्रिक लगा के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्रिक जानने से पहले एक चीज़ और जानें आप कि देखिए आज का जो ज़माना है टेक्नोलॉजी का, उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप या कोई भी मैसेज यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप लैंग्वेज कैसी है, एकदम शॉर्टकट, कैसी शॉर्टकट लैंग्वेज है, शॉर्टकट लैंग्वेज है। मीन्स शॉर्टकट का मतलब अगर हमको किसी को थैंक्स लिखना है तो क्या लिखेंगे, THX, गुड मॉर्निंग लिखना है तो क्या लिखेंगे, मीन्स आप सोच नहीं सकते हो एज सून एज पॉसिबल लिखना है तब आप क्या लिखते हो, ASAP। तो हम लोग भी चकरा जाते हैं ये सब शब्द देख के कि भाई ASAP क्या है, फिर जो भेजते हैं उससे पूछते हैं ASAP क्या है तो बताता है एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मीन्स इस तरह की लैंग्वेज हम सभी लोग लगभग चैलेंज कर सकते हैं कि 99 to 95% लोग क्या करते हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, शॉर्टकट लैंग्वेज है। इसी शॉर्टकट लैंग्वेज को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना हम अपने इसमें अपने सब्जेक्ट में इस शॉर्टकट लैंग्वेज को, इस व्हाट्सएप लैंग्वेज को यूज़ किया जाए। तो मैंने सोचा इसका एक मैंने ट्रिक बनाया, क्या ट्रिक बनाया, GFG। अब आप ये सोच रहे होंगे कि GFG कौन सा ट्रिक है, इसके लिए मैंने बनाया SMM। अब GFG मान लीजिए हमने किसी को भेजा GFG, उसने पूछा ये क्या है, तो मैंने बताया गर्लफ्रेंड गुड। मींस एक बार क्या हुआ, मार्केट जा रहे थे हम लोग, वहाँ पर हमारा बहुत पुराना कोई भूला बिछड़ा फ्रेंड मिला, तो उसके साथ क्या थी, एक सुंदर सी लड़की थी, मैंने देखा
मैंने पूछा इशारे से, कौन है भाई? उसने बोला गर्लफ्रेंड। क्या बोला उसने? गर्लफ्रेंड। तो मैंने क्या बोला? गुड। मतलब मैंने क्या पूछा, आपके साथ ये कौन है? उसने बोला गर्लफ्रेंड है मेरी। मैंने बोला गुड, मीन्स गर्लफ्रेंड गुड। हमें मार्केट जाते वक्त मिली, ठीक है ना, मिले हमारे फ्रेंड, मेरी बात हुई। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि बाद में जब घर गए, क्या हुआ जब घर गए, मीन्स यहाँ शॉपिंग वॉपिंग सब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कहाँ पहुँचे? घर। वहाँ पर हमने बताया अपनी मम्मा से कि मम्मा आज हमारे एक फ्रेंड मिले जिनके साथ गर्लफ्रेंड थी, ठीक है ना, जिनके साथ गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड कैसी थी? गुड थी, अच्छी थी, देखने सुनने में अच्छी थी। लेकिन दोनों में क्या था? दोनों ही कैसे थे? स्मॉल थे, एस एम एल। दोनों ही कैसे थे? स्मॉल थे, बोथ आर स्मॉल। ओके, मीन्स जी का मतलब ग्लूकोज, एफ का मतलब फ्रक्टोज, फिर से जी का मतलब गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है ना। हम मार्केट जा रहे थे, यहाँ पर एक ही काम हुआ, मार्केट जा रहे थे। जब घर में आए तो वार्ता हो गई किससे? मम्मी से। मीन्स हम बात भी उसके बारे में भी बता रहे हैं, मीन्स दो लोग ऐसे कोरिलेट करके आपको पढ़ना है, ऐसे कोरिलेट का, ऐसे ट्रिक का यूज करके आपको पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, मीन्स डाई का मतलब दो, दोनों ही कैसे थे? यहाँ दो की बात हो रही ना, पहले पर्सनली एक की बात हो रही थी, यहाँ पर हमने फ्रेंड ने फ्रेंड से पूछा था, पर्सनली एक के विषय में, एक ही गर्लफ्रेंड थी, मीन्स मोनू। अब यहाँ पर दोनों की बात होने, दोनों के बारे में बताने लगे, दोनों कैसे थे? स्मॉल थे, मीन्स डाई सेकेंडरी, दोनों की बात हो रही है, एस एम एल। पहले पहले आपको शब्द लेना है, आपकी अच्छी सी एक क्या तैयार हो जाएगी, ट्रिक्स, जो आप कभी नहीं भूल सकते। बाकी अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो अब जितनी शर्कराएं शेष बची, चाहे वो आपका डेक्सट्रिन हो, स्टार्च हो, ठीक है ना, कुछ भी, कोई भी शर्करा आपकी जो बच रही हो, हेमी सेलुलोज हो, सेलुलोज हो, डेक्सट्रिन हो, मिस, आपकी जितनी शेष शर्कराएं जितनी भी बचेंगी, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी? हमारे पॉलीसेकेराइड में आ जाएंगी। ओके, बाकी इनको याद रखना है कि जी एफ जी और स्मॉल, मीन्स गर्लफ्रेंड गुड और दोनों ही कैसे थे? एस एम ऑल, मीन्स स्मॉल थे। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी जितना बचेगा वो आप किस में आएगा? पॉलीसेकेराइड में आएगा। ओके, तो ये था हमारा क्या, इसका वर्गीकरण, मीन्स कार्बोहाइड्रेट का क्या, वर्गीकरण। अब इसमें अगर हम बात करते हैं किसकी, मोनोसेकेराइड। यहाँ से फ्रेंड्स और देख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका सूत्र पूछा जाता है किस तरह से। यहाँ पर हम पहले छोटा सा सूत्र लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ ऊपर का साफ कर रहे हैं, बिकॉज आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर मोनोसेकेराइड क्या, इसका सूत्र है C6H12 और O6। ओके, ये किसका है? मोनोसेकेराइड का। डाईसेकेराइड की अगर हम बात करते हैं तो C12, S22 और O11। ये हमारा कौन सा है? डाईसेकेराइड का क्या है? ये सूत्र है, ठीक है ना। और पॉलीसेकेराइड का क्या है? C6H10 और O5। यहाँ पर भी आपको हम ट्रिकी ढंग से बताते हैं, आपको याद नहीं करना है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में आपको एक चीज याद रखनी है कि हमेशा जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ये हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी कभी सूत्र पूछा जाता है ये आपसे कि मोनोसेकेराइड के सूत्र क्या है, डाईसेकेराइड सूत्र क्या है, पॉलीसेकेराइड, तीनों को कैसे याद करते हैं? मीन्स यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के C6 लिखा है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट के यहाँ डाईसेकेराइड की जब बात होती है तब कार्बोहाइड्रेट के 12 अणु, हाइड्रोजन के 22 अणु, ऑक्सीजन के 11 अणु। लेकिन जहाँ पॉलीसेकेराइड की बात होती है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के 6 अणु, हाइड्रोजन के 10 अणु, ऑक्सीजन के 5 अणु। अब ध्यान आपको ये देना है फ्रेंड्स कि हमेशा
जब भी कार्बोहाइड्रेट की बात होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज 2:1 के फॉर्म में रहेंगे। कैसे, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। 6 × 6 = 12 मीन्स 2:1। ओके, अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, 11 मीन्स 11 × 11 12 × 2 = 22 2:1 का रेशियो। 5 × 5 5 × 2 = 10 2:1 के रेशियो। आयना निकल के रेशियो 2:1 2:1 2:1। ओके, अब जब ये 1 आ जाता है, ऑक्सीजन का एक अणु आ जाता है, ठीक है ना, तो आपसे कभी कभी कई बार ये विवादित क्वेश्चन रहा है, बट विवादित बिल्कुल भी नहीं है, आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन दिया हुआ था, एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पर जो इसका ऑप्शन था वो था CH2O, ये लिखा था। लेकिन कहते हैं ना, हम लोग समझ के नहीं पढ़ते, रट के पढ़े, तो रटने में क्या था, ये मिला। जब ऑप्शन देखा कि यार ये तो है ही नहीं, अब सही कौन सा किया जाए। लेकिन ट्विस्टिंग देखिए फ्रेंड्स, के ऑप्शन में ये लिखा था। अब आप अगर इसको कट करते मीन्स 6 × 6 करते, ये भी 6 × 6 होगा और ये 6 × 12 मीन्स 1:2:1 की रेशियो में आई ना ये चीज़, 1:2:1 के रेशियो में आई। जब 1:2:1 के रेशियो में आई तो कभी भी फ्रेंड्स ऐसे नहीं लिखा जाता है कि कार्बन का हम लिखें एक अणु और हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। रसायन की भाषा में ऐसा कभी नहीं लिखा जाता है। जब भी कोई सिंगल अणु होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर सी के पास कुछ नहीं लिखना है, ओ के पास कुछ नहीं लिखना है। ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स कार्बन का एक अणु है, हाइड्रोजन का 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 अणु है। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ समझ में आई आपको, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है, चाहे ये आपको मिलेगा या ये फ्रेंड मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब कुछ ना याद आए तो सारे ऑप्शन में ये चेक कर लेना कि कहीं पर 2:1 का रेशियो तो नहीं दिया है किसी भी उसमें, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो। तो आपको एक चीज़ क्लियर है ना कि कार्बोहाइड्रेट में हमेशा 2:1 के उस फॉर्म में रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वेलकम टू चंदा शो इलाहाबाद। आज हम लोग जानेंगे कैसे चंदा शो का ऐप को इंस्टॉल करें या कैसे उस पर अपने कोर्स को देखें, परचेज करें। ठीक, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको क्या लिखना है, चंदा शो इलाहाबाद। जैसे ही लिखेंगे तो आप सामने एक तरह का एक मतलब लोगो आ जाएगा और आपको क्या करना है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं ऐप के बारे में। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको ओपन करना है। ठीक, ओपन बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन आएगी। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है मोबाइल ऑब्लिक यूजर आईडी और दूसरा लिखा है इंटर पासवर्ड। अगर आपको पहले, आपके पास पहले से आईडी है चंद्रा की, ठीक है, अगर आपके पास पहले से आईडी है चंद्रा की तो आप यहाँ पे अपनी आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे। अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, क्रिएट योर अकाउंट, आपको क्या करना है, क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे 2 लोगो दिए गए हैं, यूट्यूब, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है यहाँ पे चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत आती है ऐप से रिलेटेड तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अगर आप नए हैं तो क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आपको 3 या 4 चीज़ें भरनी है। पहला, इंटर योर नेम, आपको अपना नाम भरना है। इंटर यूजर आईडी योर सेल्फ, अब आईडी आप कुछ भी रह सकते हैं, नाम, नंबर या यानी मिला के, यानी यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जरूरत नहीं, आप कुछ भी आईडी रख सकते हैं। इंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है, जो मोबाइल नंबर आपके पास हो या आपके साथ रहता हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद 2 बार पासवर्ड, और क्या करेंगे, रजिस्टर बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे क्या मांगेगा, OTP आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाला है उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। और आपको OTP, ठीक है, जैसे ये मैंने भरा हुआ है, नाम हो गया, आईडी हो गया, आईडी कुछ भी हो सकती है, नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, पासवर्ड डाला और रजिस्टर बटन पे क्लिक किया। जैसे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, प्लीज़ इंटर OTP हियर, जो आपने मोबाइल नंबर डाला रजिस्ट्रेशन के समय वो आपको यहाँ पे OTP यहाँ पे डालना होगा। जैसे OTP डालेंगे, सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो सामने मैसेज आएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, आईडी और पासवर्ड की। तो आपको जो अभी आपने आईडी या मोबाइल नंबर डाला दोनों में से एक चीज़ डालेंगे
और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐप का जो होम स्क्रीन है वो सामने आपके आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास आईडी बनी हुई, आपको आप अगर मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो ये लिख रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आप अपने मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आप सामने ये मैसेज आ गया कि ये आईडी या ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, दो बार नया पासवर्ड डालेंगे और रिसेट पासवर्ड जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है जो बता रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसी नंबर पर ओटीपी मांगेगा। आपको क्या करना, ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। अब अपना मोबाइल नंबर और जो नया पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाल के आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, इन द केस अगर आपके पास ये मैसेज आता है कि ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस केस में। ठीक, उसके बाद जैसे ही आपने मान लो लॉगिन किया, आपने सक्सेसफुली सब कुछ रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन करेंगे आप सामने ये स्क्रीन आएगी, पहली स्क्रीन होम स्क्रीन होगी जहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा हमारे थोड़ा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे एक बटन है क्लिक हियर टू ऑर्डर हार्ड कॉपी नोट्स। अगर आपको कोई नोट्स हार्ड कॉपी में स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने घर तक मंगवाना है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना नाम पता एड्रेस डालकर, ये सर्विस अभी चालू नहीं, जब चालू होगी बता दी जाएगी, अगले 10-15 दिन में चालू हो जाएगी, यहाँ से आप हार्ड कॉपी के लिए नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। फिर दूसरा कोर्स का देखिए, कई सारे टैब है, होम कोर्सेज, परचेज कोर्स और फ्री नोट्स। तो पहला होम वाला देख लिया, आप कोर्सेज में जाके देखेंगे, कोर्सेज में आपके जितने भी हमारे द्वारा कोर्स ऑनलाइन चल रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो करेंगे, कब से स्टार्ट हो रहा है, हर कोर्स के अंदर डेमो वीडियो है, आप उसको डेमो वीडियो को देख सकते हैं और उस कोर्स का कितना अमाउंट है, और आप उस कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्स, KBS PRT, CTT प्राइमरी, UPTET प्राइमरी। ठीक, उसके बाद अगला टैब था क्या था, कोर्सेज और परचेज कोर्स। अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो वो कोर्स कोर्सेज हट कर कहाँ आ जाएगा, परचेज में। अगर आपने कोई कोर्स खरीदा और उसके अंदर सारी वीडियो आप चाह रहे हैं, अगर आपने कोई कोर्स खरीदा तो परचेज कोर्स में वो कोर्स दिखेगा, अभी आगे देखते हैं कैसे आएगा वो। ठीक, अगला टैब था फ्री नोट्स का, जो भी स्टडी मटेरियल होगी, ये तो अभी डेमो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हट जाएगा, ठीक है, आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा वो डालना फ्री नोट्स। जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगे जो आपको टेलीग्राम यहाँ पे मिलते थे, अब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, तो फ्री नोट्स में आपको क्या मिलेगा, जो भी मटेरियल कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको यहाँ पे शो होगा, आप इसको फुली बिना कोई अमाउंट के डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक, तो मैंने मान लो कोई एक कोर्स लिया, मान लो BEO ले लिया, तो उसके अंदर सारे चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर अंदर 3-3 डेमो होंगे, अभी डेमो बन रहे हैं वो जल्दी डाले जाएंगे, तो डेमो भी आप देख सकते हैं। देखने के बाद आपको क्या करना है, बाय फुल कोर्स एट 5290 जो भी अमाउंट होगा आपको क्या करना, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जो 3-3 अंदर दिख रहे हैं उसको पूरी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इस कोर्स को बाई करते हो। तो जैसे ही बाई फुल कोर्स एट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा पेमेंट प्रोसेस में आपको अपना नाम सही भरना है, अपनी ईमेल आईडी सही भरनी, क्योंकि जो रसीद है, रिसीप्ट है, वो इसी पे जाएगी, अपना मोबाइल नंबर सही से भरना है, और कूपन कोड अगर कोई सर ने जारी किया, जैसे अभी न्यू ईयर का कूपन कोड कल चल रहा है C2020, तो समय समय पे अगर चंद्रा के द्वारा कोई कूपन दिया जाता है तो उस कूपन कोड को यहाँ पे डाल के आप फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे करंट में न्यू ईयर का जो कूपन कोड है C2020, उसको आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही बाई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पेमेंट ऑप्शन, यानी कितने तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, EMI, वॉलेट्स, UPI, तो आपके लिए आपके पास जो भी सुविधा हो उस हिसाब से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ठीक, जैसे डेबिट कार्ड का यहाँ पे है तो कार्ड का नंबर हो गया, कार्ड का क्या नाम है, कार्ड पर एक्सपायरी और CVV, ATM कार्ड की जो CVV पिन होता है 3 नंबर का, वो यहाँ डाल के आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, यहाँ बहुत सारे बैंकों के नाम है, आपका जो भी नेट बैंकिंग आप जो चलाते हो नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद वॉलेट्स, अलग अलग वॉलेट्स, फ्रीचार्ज, जियो मनी, ई पे लेटर, ओला मनी, जो भी आपके पास है आप उसके थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद UPI, अगर आप UPI चलाते हैं, गूगल पे या फिर भीम, जो भी हो आप चलाते हैं, आप वहाँ उस UPI एड्रेस को डाल के भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट करेंगे
तो आपके सामने परचेज कोड जो कि खाली था, अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो कि ऑलरेडी परचेज एक आईडी पर सीटेड प्राइमरी और यूपीटेड प्राइमरी। तो जैसे आप मान लीजिए कोई कोर्स बाई करते हैं इस मेथड के थ्रू, तो परचेज कोर्स के अंदर वो जो जिसके लिए आपने पेमेंट किया है वो कोर्स यहाँ पे आ जाएगा। इस कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे जितनी भी टोटल वीडियो होंगी इस कोर्स के अंदर वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। और साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं यहाँ पे तीन डॉट होगा जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपना नाम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड अगर चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। प्लस अगर आपको ऑर्डर हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। कॉन्टेक्ट अस, अगर कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और बाहर आना है तो साइन आउट कर सकते हो, ठीक। जैसे प्रोफाइल वाला है तो प्रोफाइल में नाम हो गया, आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया और यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे आप इस तरह आप अपने ऐप को चला सकते हो। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि बहुत सारी आईडी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिख रहा है, मतलब वो नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उस केस में क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उस केस में आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना जो कि आपको यहाँ दिखेगा, ठीक। फॉरगेट पासवर्ड जैसे ही क्लिक करें, अगर आपके सामने ये लिख के आता है कि आईडी या मोबाइल नंबर आईडी रजिस्टर दिखा रहा है, तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला है जो रजिस्टर दिखा रहा है वो फॉरगेट पासवर्ड में जाके आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और दो बार पासवर्ड डालना और रीसेट कर देना है। अब आप लॉगिन करेंगे तो अब आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन नहीं करना, अब आपको सीधे क्या करना, लॉगिन करना मोबाइल नंबर डाल के और जो नया पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डाल के, ठीक है। तो इस तरह आप ऐप को यहाँ से आसानी से चला सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए सारी सुविधा सॉल्व होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।